भैया एक वैरायटी और रखने वाले हैं, अपने में ऐड करने वाले हैं गुलाबी चाय, रोज चाय। ये है भैया का एक स्पेशल मसाला, चाय का मसाला, इसे भैया डालते हैं जो मेरठ में कोई नहीं डालता। ये समझ लो भैया का राज है या एक रहस्य है भैया का, जिससे चाय में एक स्वाद आता है। जितेंद्र, आपने बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट चाय का अनुभव कराया है यहाँ पर। मैं वैसे जनरली नॉर्थ इंडिया में कई जगह चाय पी है, बट यहाँ का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ पे मसाला चाय ट्राई की है, बहुत अच्छी लगी है हमारे मसाले चाय। और जब भी आप मेरठ आओ तो मिस्टर वलोकर चाय वाला की चाय पीना मत भूलना। चाय के साथ, चाय की चुस्की के साथ आपको यहाँ पे मोटिवेशन भी मिलेगा। यहाँ पे आपको, आप बैठो फ्री टाइम में, बुक्स पढ़ो, थोड़ा मोटिवेट हो, रिफ्रेश हो जाओ और फिर काम पे लग जाओ। आई थिंक दिस इज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। आई बीन थ्रू ऑल इंडिया, बट मेरठ में आके जो मेरे चाय का टेस्ट मिला सच में बहुत अच्छा है। एंड आई रियली अप्रिशिएट योर न्यू इनिशिएटिव। यू हैव स्टार्टेड योर स्टार्टअप एज ए ब्लॉगर चाय वाला, एंड माई ऑल द बेस्ट टू यू। एंड यू आर माई अर्सफाइल कॉलीग ऑल्सो, ही बिलोंग्स टू सन, वी ऑल्सो फ्रॉम फार्मा इंडस्ट्री। सो ऑल द बेस्ट। आई विल सिंसियरली रिक्वेस्ट टू ऑल माई फार्मा कॉलीग्स, प्लीज हैव ए टेस्ट, हैव ए चुस्की ऑफ चाय एट जितेंद्र ब्लॉगर चाय वाला। थैंक यू। ये डब्बा है, इसमें मसाला बनाया हुआ है मैंने, 8 से 9 स्पाइसेस, जैसे दालचीनी, लौंग, इलायची, सौंफ, काली मिर्च, इस तरह से मुलैठी, तो उससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। हाँ, तो इसलिए मैंने खरीदी नहीं, तो चाय में पीता नहीं। कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है, और मोरओवर आप फार्मा में थे, फार्मा के बाद आपने स्टार्ट किया, वो बड़ा डिफरेंट है। वो आदमी जो प्रोफेशनल अटायर में आपके वेयर करके बैठा, वो फार्मा के बदौलत ही पड़ा जो है। नहीं तो कोई भी चाय वाला आप देखोगे, वो लोअर टी शर्ट या वैसे क्या नहीं पड़ा हो जाता है। वैसे भी क्या, फार्मा बंदा जो जॉब करता है ना, वो थोड़ा सा हटके इससे मेरा प्रोसेस डिफिकल्ट होता है। जी 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 जी, दे रहा हूँ। जो स्मेल है ना, वाकई में बहुत अच्छी है। अभी तो पी के देखते हैं। बहुत अच्छी है चाय, बहुत अच्छी चाय है, बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात क्या है इसमें, टेस्ट जो है घर का है, कि जैसे घर पे है बिल्कुल वही है, प्योरिटी है बिल्कुल। तो और भैया, युवाओं के लिए तो यही संदेश है कि जो भी करना है खुद ही करना है, कोई करने नहीं आएगा, दूसरे सिर्फ सलाह देंगे, ठीक है, सपोर्ट कोई नहीं करेगा। करना है जो भी करना है, अपने आप ही करना है और आगे बढ़ना है। इस बात को छोड़ दें क्या कहेंगे लोग, वो बिल्कुल छोड़ दो, तभी आगे कुछ कर पाओगे, वरना जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर यही सोचते रहे कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो ये है कि लोगों को साइड में रखो, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत किसी चीज़ की है तो आपको खुद करना पड़ेगा, पड़ोसी कोई करने नहीं आता किसी का भी। ये जीवन की सच्चाई है और इसी को लेकर आगे चलना पड़ेगा। लगे रहो भाई। जी सर, थैंक यू। आदर मसाला जरूर टेस्ट किया जाए, बढ़िया चाय जरूर यहाँ पर आके अपना चाय पीजिए और एंजॉय कीजिए, बढ़िया लगेगी चाय। चाय बहुत टेस्टी है, अदरक का फ्लेवर, अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। और बस तो मेरा दोस्त आया था उसके साथ, तो दोबारा आया हूँ मैं, अच्छी लगी मेरे साथ मेरा भाई। कल हम सेंटर मार्केट में चाय पीने गए थे, वहाँ 70 रुपये की चाय थी और उसमें कुछ टेस्ट नहीं था। हम भैया के दौर आए थे शाम के टाइम, तो भैया से हमने पूछा भैया क्या चीज़ है, भैया ने बोले चाय के अभी न्यू शॉप खुली है यहाँ पर कोको बेकर के सामने, तो चाय का बहुत अच्छा टेस्ट है। और वैसे तो रोज ही पीते हैं, ये थोड़ी अलग थी, अच्छा लगा। चाय बहुत टेस्टी है आपकी, हम सामने चाउमीन खा रहे थे, मेरे भाई ने बताया कि वहाँ से चाय पियो, भैया ब्लॉगर हैं। मैंने कहा ब्लॉगर, मैंने कहा देखते हैं, यूट्यूब पर सर्च किया तो पता लगा कि हाँ ब्लॉगर हो, पता से चाय और बहुत टेस्टी चाय है भैया, मैंने बहुत अच्छा लगा मैं चाय पी। अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। अदरक के साथ इसमें पड़ा हुआ है मसाला है, उसका फ्लेवर बहुत एज कम्पेयर टू अदर चाय, मतलब इट इज़ बेटर देन। भाई चाय बहुत अच्छी लगी, सबसे बड़ी बात तो प्यार इतना अच्छा है चाय के साथ, हाँ है ना। हाँ, इसमें चाय के साथ में मतलब ये है कि सर्विस में सबसे अच्छा, नो डाउट, वेल डन।